हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटर बर्स्ट। दोस्तों आज रिव्यू कर रहे हैं सुप्रीमली बैड एज बाय डिजाइन। मैं बात कर रहा हूँ किया सेल्टोस। Wow, Kia Seltos. अगर वेरिएंट्स की बात करूँ तो आपको सात डिफरेंट वेरिएंट्स मिलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम HTE एंड गोज अप टू GTX प्लस। प्राइस की बात करूँ तो इसका प्राइस स्टार्ट होता है अराउंड 12 लैक्स एंड गोज अप टू 19 लैक्स ऑन रोड इन अम्बाला, एंड सातों ही वेरिएंट्स इस प्राइस रेंज के बीच में आपको मिल जाएंगे। ट्रांसमिशन की बात करूँ तो आपको मैनुअल, ऑटोमेटिक, IMT, IVT, DCT सारे ही प्रोवाइडेड है, एंड इंजन ऑप्शन में आपको पेट्रोल, डीजल एंड टर्बो पेट्रोल तीनों ही मिल जाएंगे। द वन विच वी आर रिव्यूइंग इज द HTK प्लस डीजल मैनुअल वर्जन, एंड इसका प्राइस ऑन रोड पर जाता है 14,40,000। सो सारे फीचर्स के बारे में जानने वाला है। अगर आपको किया का कोई भी कार देखना है स्पेसिफिकली इन अम्बाला कैंट, मोहन किया टेपला जगाधरी रोड अम्बाला कैंट विजिट कर सकते हैं। शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स चेक द कार। सो डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं, एंड डेफिनेटली बहुत ही स्टनिंग लुकिंग कार है। डिज़ाइन इंडस्ट्री में इस कार ने तहलका मचाया हुआ है, एंड बेसिकली जो सेल्टोस की सेल्स है वो इसके डिज़ाइन पे ही डिपेंड करती है। फ्रंट से स्टार्ट करें सो यहाँ पर आपको किया का अपडेटेड लोगो मिल जाएगा, एंड यहाँ पर जो नर्ल्ड पैटर्न है वो प्रोवाइडेड है। टाइगर नोज ग्रे मिलती है इसको। यहाँ पर आपको मैट ब्लैक फिनिश का जो ग्रिल है वो प्रोवाइडेड है। हेडलैम्प की बात करूँ तो यहाँ पर आपको DLS मिल जाते हैं, एंड DLS का डिज़ाइन देखने में बहुत ही स्टनिंग लग रहा है। यहाँ पर आपको हैलोजन इंडिकेटर मिलता है, हाई ड्रिप्स में आपको LED इंडिकेटर्स भी मिलते हैं, आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिलता है बट दिस इज़ अगेन एन हैलोजन, एंड उसके नीचे यहाँ पर आपको फॉग लैम्प मिलता है विच इज़ अगेन दी हैलोजन। हाई ट्रिम में यहाँ पर आपको आइस क्यूब LED फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं, एंड नीचे सॉर्ट ऑफ अ डिफ्यूज लुक प्रोवाइडेड है। सिल्वर में आपको उसके प्लेट भी गिवन है सेल्टोस की ब्रांडिंग, एंड जो बोनट का एरिया है कट्स एंड क्रीजेस काफ़ी अच्छे है इसमें। डायमेंशन की बात करूँ सो आपको 1.8 मीटर का अराउंड वेट मिल जाती है, एंड 4.3 मीटर की आपको लेंथ मिल जाती है, जबकि 2.6 मीटर का आपको व्हील बेस प्रोवाइडेड है। सो व्हील बेस काफ़ी अच्छा है, विच मीन्स इंटीरियर में जो स्पेस है काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। टायर्स की बात करें सो यहाँ पर आपको 16 इंच के अलॉय रिम्स मिलते हैं, एंड इनका डिज़ाइन भी बहुत ही सुपर्ब लग रहा है। टायर का सेक्शन है 205/65/16, एंड नाउ HTK प्लस में आपको सारे ही टायर्स में डिस्क ब्रेक्स प्रोवाइडेड है। सो सेफ्टी वाइज काफ़ी अच्छा कन्वीनियंट फीचर गिवन है, एंड पूरे कार में आपको अंडरग्लॉडिंग क्लैडिंग मिल जाएगी। ORVMs की बात करें सो इसमें टर्न इंडिकेटर इंडिकेटर मिलता है, एंड व्यू भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, यहाँ पर आपको वाइपर्स गिवन है, ऊपर आपको रूफ रेल प्रोवाइडेड है, बट दिस इज जस्ट फॉर द डिज़ाइन, फंक्शनल नहीं है ये। यहाँ पर आपको 50 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है, एंड साइड का भी एक लुक देख सकते हैं आप। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना गिवन है। नाउ जो IMT वेरिएंट आता है उसमें आपको ऊपर सनरूफ भी मिल जाएगा, बट मैनुअल में आपको सनरूफ गिवन नहीं है। रियर डिस्क ब्रेक्स। पीछे की बात करें सो यू कैन सी द डिज़ाइन, बहुत ही कंपोज लुक है, दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, रियली फैबुलस। यहाँ पर आपको टेल लैम्प सेक्शन मिल जाता है जहाँ पर हैलोजन इंडिकेटर प्रोवाइडेड है, एंड जो लाइट्स है वो भी हैलोजन प्रोवाइडेड है। इस रेंज में अगर LED आते बहुत बेटर होता, बट यस हायर ट्रिम में आपको LED भी मिल जाएंगे। यहाँ पर आपके रिवर्स लाइट गिवन है, एंड पूरा ही ये जो सिल्वर ग्लॉसी सिल्वर यू कैन से जो फिनिश है दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है किया का लोगो, एंड इसमें भी टाइप ऑफ मेटालिक जो फिनिश है वो गिवन है। यहाँ पर आपको रियर पार्किंग कैमरा मिल जाएगा, हियर इट इज, एंड नीचे आपको दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी गिवन है, एंड सॉर्ट ऑफ टू वे आपको डिफ्यूज लुक गिवन है। यहाँ पर भी सिल्वर सॉर्ट ऑफ एलिमेंट पूरे ही नीचे मिल जाता है, आपका सिल्वर का स्किप प्लेट एंड जो एग्जॉस्ट टिप है वो नीचे प्रोवाइडेड है, एंड इसमें भी ये मैश टाइप का जो पैटर्न है वो गिवन है। बूट को ओपन करते हैं, बट आपका रियर वाइपर, डिफॉगर एंड हाई स्टॉप लैंप ये भी गिवन है, एंड काइंड ऑफ अ मिनी स्पॉइलर लुक भी प्रोवाइडेड है। आपको इलेक्ट्रिक बूट ओपनिंग मिल जाता है, एंड ओपन प्रीटी वाइड विच मीन्स आपका हेड स्ट्राइक नहीं करेगा। यहाँ पर आपको 433 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है विच इज़ ह्यूमंगस, लाइक यू कैन सी। ऑल्सो एडवांटेज ये है कि यहाँ पर कोई लोडिंग लिप नहीं है, दिस इज़ कम्प्लीटली स्ट्रेट, सो इन एंड आउट जो लगेज का है बहुत ईजी हो जाएगा, कोई एफर्ट लगने वाला नहीं है। साइड में यहाँ पर थोड़े आपको पॉकेट्स मिल जाते हैं टू एड सम एक्स्ट्रा स्टफ। यहाँ पर आपको एलोजेनिक लाइट भी गिवन है, एंड इसके नीचे आपका स्पेयर व्हील एंड जो टूल किट है वो प्रोवाइडेड है। स्पेयर व्हील एक साइज स्मॉलर है, रियर सीट से आप उनको 100% फोल्ड कर सकते हैं टू इंक्रीज द बूट कैरिंग कैपेसिटी। यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे गिवन है, इनको आप हटा भी सकते हैं। यहाँ थोड़ा स्पेस गिवन है टू क्लोज इट,
एंड यस जो बूट है इट इज़ रियली हैवी, सो जो हेफ्ट है वो प्रोवाइडेड है। फिर ये की तरफ चलते हैं, यहाँ से ओपन करते हैं। ओपन स्पेटी वाइट बट नॉट इन 90 डिग्री। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर के लिए स्पेस मिल जाएगा। एवरीथिंग इज हार्ड प्लास्टिक हियर। हाई एड्रेस में यहाँ पर आपको फैब्रिक मिल जाता है। यहाँ थोड़ा स्पेस गिवन है। पार विंडो कंट्रोल एंड सिल्वर में आपका डोर ओपनिंग हैंडल है जो कि एक्सटेंडेड है, सो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऑल्सो आजकल आप सभी को पता है जो ब्लाइंड्स है कार को आप ढक नहीं सकते हैं, सो कंपनी आपको पीछे ब्लाइंड्स प्रोवाइड कर रही है, सो दिस रियली फैबुलस। यहाँ पर आपको स्पीकर कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। इनका डिज़ाइन भी दिखने में काफ़ी यूनिक लग रहा है। इस कार में आपको 6 स्पीकर कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा जिनमें से 4 स्पीकर्स हैं एंड 2 ट्विटर्स आर प्रोवाइडेड। नाउ सीट्स की बात करूँ तो फैब्रिक सीट्स गिवन है एंड इनके जो कम्फर्ट है काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। सेंटर में ना ही कोई आर्मरेस्ट प्रोवाइडेड, ना ही कोई कप होल्डर प्रोवाइडेड है, सो दीज थिंग्स आई थिंक आर अ मिस। आपको हेडरेस्ट तो मिलता है बट एडजस्टेबल नहीं है एंड ना ही कोई सनरूफ गिवन है। यहाँ पर आपको पीछे लाइट प्रोवाइडेड है, हेलोजन लाइट है ये, एंड सेंटर का जो हम पैक काफी स्मॉल है। नाउ रियर कंपार्टमेंट की कंफर्ट की बात करूँ तो यहाँ पर कंफर्ट काफी अच्छा गिवन है। और फैब्रिक सीट्स है बट फिर भी जो कुछ नहीं है काफी अच्छी प्रोवाइडेड है। इंक्लाइन एंगल भी आपको अच्छा मिल जाता है एंड नी रूम हेड रूम सब एडिक्वेट अमाउंट में गिवन है। यहाँ पर आपको हैंडल गिवन है विद अ हुक एंड इस साइड आपको सिर्फ हैंडल मिलता है, हुक प्रोवाइडेड नहीं है। नाउ सेंटर कंसोल की बात करें तो यहाँ पर आपको एसी वेंट्स मिल जाएंगे एंड यहाँ थोड़ा स्पेस प्रोवाइडेड है टू कीप योर स्टफ एंड यहाँ पर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। चलते हैं फ्रंट सीट्स पे, की से स्टार्ट करते हैं। तो दोनों की आपको स्मार्ट की मिलती है, इसमें आपको लॉक अनलॉक बूट ओपनिंग एंड होल्ड का फंक्शन मिलता है। इसको दबा के रखेंगे सो जो इंजन है कार का वो स्टार्ट हो जाएगा, बट दैट टू आपकी कार फुल्ली लॉक होनी चाहिए एंड हैंड ब्रेक लगा होना चाहिए। यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट सेंसर गिवन है, सो ओपन प्रीटी वाइड नॉट एट 90 डिग्री। यहाँ पर आपको ORVM कंट्रोल मिल जाएगा। यहाँ पर विंडो कंट्रोल गिवन है। सिल्वर में आपका डोर ओपनिंग हैंडल है जो कि एक्सटेंडेड है। यहाँ पर आपको फ्रंट ट्विटर्स मिल जाएंगे, आपका स्पीकर, बॉर्डर होल्डर के लिए यहाँ पर डीसेंट स्पेस प्रोवाइडेड है, यहाँ पर भी थोड़ा स्पेस प्रोवाइडेड है एंड एवरीथिंग इज हार्ड प्लास्टिक। नाउ ड्राइवर सीट में आपको हाइट एडजस्ट मिलता है, सो दिस इज रियली फैबुलस। एंड यहाँ पर आपको फैब्रिक सीट्स अगेन गिवन है एंड कंफर्ट इससे काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। मैनुअल है सो ABC तीनों ही पेडल प्रोवाइडेड है एंड वहाँ पर एक प्रॉपर डेड पेडल भी प्रोवाइडेड है। यहाँ से आप फ्यूल लिड को ओपन कर सकते हैं एंड यहाँ से आप बोनेट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप सिस्टम मिल जाता है। यहाँ से आप ट्रैक्शन को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की इंटेंसिटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। दिस इज योर हेडलाइट लेवल। और AC वेंट का डिजाइन भी दिखने में काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर सिल्वर सॉर्ट ऑफ एलिमेंट जो है वो एडेड है। नाउ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको डिजिटल एंड एनालॉग का मिक्स मिलता है। लेफ्ट में आपको RPM मीटर मिलता है जबकि राइट में आपको स्पीडोमीटर प्रोवाइडेड है एंड जितने भी इंडिकेशन है सारे डिजिटल है, जस्ट जो नीडल है वो आपको एनालॉग मिल जाता है। यहाँ पर आपको कूलेंट टेम्परेचर के बना है एंड यहाँ पर आपको फ्यूल इंडिकेशन प्रोवाइडेड है। सेंटर में आपको MID मिलती है विच शोज योर स्पीड, रेंज, टेम्परेचर आउटसाइड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, एयर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम एंड अदर सेटिंग्स लाइक डोर लाइट, कन्वीनियंस, सर्विस इंटरवल। तो इनको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और स्टेयरिंग की बात करूँ तो आपको नॉर्मल स्टेयरिंग प्रोवाइडेड है, डीकट स्टेयरिंग नहीं है, बट यहाँ पर सिल्वर सॉर्ट ऑफ एलिमेंट गिवन है एंड साइड में भी सिल्वर सॉर्ट ऑफ एलिमेंट्स एडेड है, सो देखने में काफी अच्छा लग रहा है, प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पर आपको मीडिया कंट्रोल मिल जाते हैं, वॉइस कमांड्स, कॉल, इनके फंक्शन गिवन है एंड यहाँ पर भी नर्ल टाइप ऑफ फिनिश प्रोवाइडेड है, सो ये भी काफी ग्रिपिंग के लिए अच्छा है। एंड दिस साइड आपको क्रूज कंट्रोल के सेटिंग्स मिल जाएंगे। नाउ सेंटर पे हॉर्न आता है एंड स्टीयरिंग इज टिल्ट एडजस्टेड बट टेलीस्कोपिक एडजस्ट नहीं है। यहाँ पर आपको वाइपर कंट्रोल मिल जाएगा एंड इस साइड आपको लाइटी कंट्रोल्स प्रोवाइडेड है। नाउ यहाँ बात करें तो यहाँ पर आपको 8 इंच का टच डिस्प्ले प्रोवाइडेड है एंड टच रिस्पॉन्स इस स्क्रीन का बहुत ही ऑसम है। ऑल दो जो ये पूरा स्क्रीन है, एक जो ये लेयर देख सकते हैं आप, सो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी इंट्यूटिव है। यहाँ पर आपको अगेन नर्ल्ड फिनिश में क्विक एक्सेस ऑपरेशन मिल जाते हैं एंड यहाँ पर वॉल्यूम का ऑप्शन गिवन है। साइड में भी आपको कुछ क्विक एक्सेस बटन्स प्रोवाइडेड है लाइक रेडियो, मीडिया, यहाँ पर ट्रैक, सेटअप, इनके ऑप्शन गिवन है। यहाँ बात करें सो सेटिंग्स में आपको साउंड, डिवाइस कनेक्शन, डिस्प्ले, इन सब के सेटिंग्स मिल जाएंगे, ब्लू लाइट, स्क्रीन वेयर, ब्राइटनेस। स्क्रीन से जो ब्लू लाइट आती है उसको भी यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं, सो दिस इज रियली एन अमेजिंग फीचर। होम का बटन, रेडियो, मीडिया, फोन, मेन्यू। नाउ इसमें आपको साउंड, मूड, लाइट्स आते हैं, बेसिकली जो सॉन्ग बज रहा होगा उसके हिसाब से आप जो एम्बिएंट लाइट है उनको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्लो ओनली लाइट्स मिल जाते हैं लाइक नॉर्मल जो एम्बिएंट लाइट है एंड यहाँ से आप सॉन्ग के हिसाब से जो कलर्स है वो चेंज हो जाएंगे लाइक हे यू, ट्रैवलिंग, रोमांस। ये काफ़ी अच्छा गिवन है। नाउ उसके नीचे यहाँ पर आपको AC वेंट्स प्रोवाइडेड है, अगेन सिल्वर सॉर्ट ऑफ जो एलिमेंट है, इसका यूज़ काफ़ी अच्छा हुआ इस कार में। यहाँ पर आपको मैनुअल AC मिल जाएगा एंड जो टाइल्स है ये भी काफ़ी ब्रिलियंट है यूज़ करने में। यहाँ पर आपको AC एंड जो एयर का फ्लो है उसका सिस्टम मिल जाएगा। नाउ यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेस गिवन है, यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट गिवन है जो कि फास्ट चार्जर है, एक USB पोर्ट गिवन है एंड 12 वोल्ट का भी चार्जिंग सॉकेट प्रोवाइडेड है। यहाँ पर ऊपर भी थोड़ी स्पेस प्रोवाइडेड है। हाई ट्रिम में यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगा एंड एक चीज़ है लाइक ये एलिमेंट यहाँ पे गिवन है, दिस इज नॉट टू ग्रैब बट
दिखने में थोड़ा अनसिमेट्रिकल लग रहा है। अगर ऐसा यहाँ पर भी गिवन होता ज़्यादा सिमेट्री बनती तो ज़्यादा अच्छा लगता। और यहाँ बात करें तो यहाँ पर आपको 6-speed manual gearbox मिल जाता है विथ रिवर्स, एंड रिवर्स के लिए यहाँ पर आपको एक नॉब गिवन है जिसको प्रेस करके आप रिवर्स गियर को लगा सकते हैं। एंड देयर इज अ डिस्प्ले, सो डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, एंड कैमरा में अगर ऐसी क्वालिटी आए सो बहुत ही ब्रिलियंट है। इसमें भी अगेन सिल्वर सॉर्ट ऑफ एलिमेंट गिवन है, एंड ये पूरा जो एरिया है ग्लॉसी ब्लैक में फिनिश्ड है। नाउ यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर्स गिवन है, आपका हैंड ब्रेक विद सिल्वर टेप, एंड यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिलती है, बट इसकी कुशनिंग ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, थोड़ी टाइटर साइड में है। उसके नीचे यहाँ पर आपको काफ़ी डी स्पेस मिल जाता है, हायर ट्रेस में आपको एयर प्यूरीफायर भी मिल जाएगा यहाँ पर। नाउ ग्लव बॉक्स की बात करें सो डीसेंट साइज्ड है, वैसे ज़्यादातर एरिया जो आपका मैनुअल है उसी ने ले रही है, बट फिर भी ठीक है। यहाँ पर आपको मैनुअल डिमिंग IRVM प्रोवाइडेड है। यहाँ पर कुछ नहीं मिलता, यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर मिल जाएगा, आपके लाइट्स, एंड यहाँ पर आपको एक वैनिटी मिरर गिवन है। ऑल्सो जो सीट बेल्ट है उनमें आपको हाइट एडजस्ट मिल जाएगा, सो ये फीचर काफ़ी अच्छा गिवन है। नाउ वी हैव कनेक्टेड एंड्रॉइड ऑटो एंड लेट्स प्ले म्यूजिक। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, this shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? ऑडियो क्वालिटी इज सुप्रीमली ऑसम इन दिस कार। सो दिस वन इज द IMT1। मैनुअल से क्या डिफरेंस मिलता है, सबसे पहले यहाँ पर आपको शिफ्टर प्रोवाइडेड है बट नो क्लच इज प्रोवाइडेड। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक AC मिलता है, एंड यहाँ पर आपको सनरूफ गिवन है, एंड मैनुअल के कंपैरिजन में ये आपको 45,000 ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। सेल्टोस के इंजन की बात करें सो यहाँ पर आपको 1.5 लीटर CRDI डीजल इंजन मिलता है, 16 वॉल्व सिस्टम है, ये प्रोड्यूस करता है 115 BHP ऑफ पावर वाइल 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। सो पैकेजिंग इज क्वाइट वेल, ऊपर इंसुलेशन भी प्रोवाइडेड है। नाउ अगर मैनुअल की बात करूँ सो वहाँ पर आपको 115 BHP मिल जाएगी विथ 144 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, एंड जो टर्बो पेट्रोल आता है जो कि 1.4 लीटर टर्बो पेट्रोल वो प्रोड्यूस करता है 140 BHP ऑफ पावर वाइल 242 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। सो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, एंड माइलेज भी आपको 20-22 का ईजिली मिल जाएगा, एंड बूट का जो हेफ्ट है बहुत है। सो व्हाट अबाउट द फाइनल वर्डिक्ट? नाउ फीचर वाइज बहुत ही ब्रिलियंट कार है ये, एंड सेफ्टी की बात करूँ सो ABS विद ABD, आपको डुअल एयरबैग्स, एंड दूसरे टर्म से आपको 6 एयरबैग्स मिल जाएगा, देन ESC कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, सारे ही फीचर्स प्रोवाइडेड है। सो सेफ्टी वाइज भी किया ने बहुत इंप्रूव करा है दिस टाइम, एंड फीचर्स तो थे इस कार में, डिजाइन भी बहुत ही अमेजिंग थी। सो यस, इफ यू आर लुकिंग फॉर दिस कार देन यू शुड डेफिनेटली गो विद दिस वन। सो दैट वाज ऑल, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन जय हिंद।